तो आज हम बात करेंगे अवकल समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम नियम बता रहे थे। यहाँ पे देखिए अवकल समीकरण ज्ञात करने की विधि जो है वो विधि क्या है। सबसे पहली बात हम करेंगे कि दिए गए समीकरण को स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो भी हमें समीकरण दिया रहेगा, कौन सा समीकरण, जिसका मुझे क्या निकालना है, अवकल समीकरण निकालना है, तो वो जो समीकरण दिया रहेगा उसको हम स्वतंत्र चर मतलब x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जो भी उसमें स्वतंत्र चर होगा उसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। उतनी बार अवकलन करना है जितने उस समीकरण में स्वच्छ अचर होंगे। याद रखना, जितने उस समीकरण में स्वच्छ अचर होंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे, उतनी बार हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। फिर सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे स्वच्छ अचर जो है, स्वच्छ हम इसको स्वच्छ अचर कहेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, स्वच्छ अचर इसे लिखेंगे इसको, ठीक है, स्वच्छ अचर। तो स्वच्छ अचर जो हमारा होगा उसको हम विलुप्त करेंगे, गायब करेंगे। और तीसरा स्टेप ये है कि स्वच्छ अचर से मुक्त जो अभीष्ट समीकरण होगा वही हमारा क्या होगा, हमारा अवकल समीकरण होगा, ठीक है। तो स्वच्छ अचर हम बात करेंगे, स्वच्छ अचर जो होंगे तो सबसे पहले जितने स्वच्छ अचर होंगे उतनी बार हमें अवकलन करना है। फिर जो स्वच्छ अचर होंगे उनको हमें गायब करना है। और फिर स्वच्छ अचर से जो मुक्त समीकरण हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, अवकल समीकरण। दो नोट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अवकल समीकरण वक्र निकाय को प्रदर्शित करता है। अवकल समीकरण एक वक्र निकाय को प्रदर्शित करता है। वक्र निकाय का मतलब क्या है, पूरी फैमिली, उस वक्र की पूरी फैमिली, पूरा परिवार हम कहेंगे है। तो जो जो कि उभयनिष्ठ गुणधर्मों को संतुष्ट करेंगे। इस पॉइंट को हम आगे के सवाल लेंगे तो आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे, ये कई क्वेश्चन में काम आएगा। यदि किसी समीकरण में यम स्वच्छ अचर हो, यम स्वच्छ अचर हो, तो इनसे बने अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, यन होगी। इनसे बने अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, यन होगी। क्यों, क्योंकि भाई जितने स्वच्छ अचर होते हैं हम उतनी बार अवकलन करते हैं, करेक्ट, और जितनी बार अवकलन करेंगे उसकी कोटि उतनी ही ज्यादा आती जाएगी। तो अगर यन स्वच्छ अचर है तो हम जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा उसको हम यन बार उसका अवकलन करेंगे तो अवकल समीकरण जो प्राप्त होगा उसकी जो कोटि होगी वो भी कितनी होगी, एन होगी, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा अवकल समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। आइए उनको कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण आप यहाँ पे देखें, हमारे पास वक्र निकाय दिया है y स्क्वायर बराबर 4ax और हमें इसका क्या चाहिए, अवकल समीकरण चाहिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप हमारा ये था कि जो भी हमें समीकरण दिया रहेगा उसमें जितने स्वच्छ अचर होंगे हम उसको उतनी बार अवकलन करेंगे। स्वच्छ अचर क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट अगर मैं देखूं, यहाँ पर एक ही आपको दिख रहा है, ए, स्मॉल ए। तो यहाँ हमारे पास एक समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax, समीकरण नंबर एक। हमारे पास ध्यान देना कि हमारे पास एक यहाँ पर स्वच्छ अचर आ रहा है तो इस समीकरण को एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, अवकलन करने पर तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 2y dx of y इज इक्वल टू 4a, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां से ये मैंने कर लिया है। अब हम एक काम ये करते हैं कि जो हमें दिया हुआ समीकरण होता है उसमें से हम जो स्वच्छ अचर है उसको हम गायब कर देते हैं। तो कैसे गायब होगा, यहां से a का मान निकाल लीजिए, a बराबर 4 को आप बटे में ले आइए, 2y बटे 4 dx ऑफ y, ये आपको मिलेगा a। a का मान मिल गया, 2 से आप काट दीजिए, ये दो बार जाएगा। तो यहां से हमें a का मान कितना मिल चुका है, y बटे 2 dx ऑफ y, ये हमें मान मिल गया। अब हम समीकरण नंबर एक में जो हमें दिया हुआ समीकरण था a का मान यहां से हटा देंगे। समीकरण नंबर एक से अगर हम बात करें तो y स्क्वायर बराबर 4, a का मान कितना है, a का मान y बाई 2 डी डी एक्स ऑफ y, ये देखिए। और फिर आगे क्या है, x, तो a के स्थान पे जो इसका
इसका मान मैंने निकाला वो ये था। अब आप चाहें इसको दो से काट दीजिए, दो दूना चार, तो ये कुल मिला के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर, आपको मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर टू वाई, हम यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स, ये देखिए ठीक है। तो यहाँ से ये आपका निकल के आ गया अवकल समीकरण। अब ये जो अवकल समीकरण है ये स्वच्छ अचर से बिल्कुल मुक्त, मतलब मुक्त है, इसमें कोई भी स्वच्छ अचर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो समीकरण दिया होता है उसमें जितने भी स्वच्छ अचर होते हैं उतनी बार हम अवकलन करेंगे। इसमें एक स्वच्छ अचर था, हमने एक ही बार अवकलन किया। जब हम अवकलन करते हैं तो हम इसकी मदद से ये जो समीकरण दिया होता है उसमें स्वच्छ अचर को गायब कर देते हैं। तो यहाँ से एक का मान निकाल लिया और एक का मान हमने यहाँ रख कर हमने ए को हटा दिया, मतलब इस समीकरण में से स्वच्छ अचर गायब कर दिया। तो जो स्वच्छ अचर से मुक्त जो हमारा समीकरण होगा इस प्रकार वो होगा हमारा अवकल समीकरण, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बात, अभी सेम बात हमें यहाँ भी करनी है। चलो यहाँ पे आप देख के बताओ, ये हमारे पास एक वक्र है, इसका समीकरण हमें मालूम है, यहाँ पर हमें दो स्वच्छ अचर दिखाई दे रहे हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे हम इसका पहले दो बार अवकलन कर देंगे। देखिए हमारे पास वक्र क्या है, y बराबर a sin x प्लस b cos x, समीकरण नंबर एक। अब यहाँ एक मैं लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए कितनी बार अवकलन करेंगे आप, कितनी बार करेंगे, दो बार। सबसे पहले क्यों दो बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें स्वच्छ अचर दो है। पहली बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा अवकलन माइनस साइन एक्स। कुल मिला के ये क्या बना, क्या बना, तो मैं यहां इसको लिखूंगा, ये बना डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस हो जाएगा ना बी साइन एक्स, समीकरण नंबर दो मान लीजिए। अब हम फिर से इसका अवकलन करेंगे, तो समीकरण नंबर दो का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए, क्या मिलेगा फिर से। तो यहाँ पर जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान देना डी डी एक्स ऑफ वाई तो पहले से ही था, डी डी एक्स ऑफ वाई तो पहले से ही था, इसका हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसका जब अवकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का समक अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स, और माइनस बी, और बताइए साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। चलो बताओ यहां से ये क्या बन गया, डी ये सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा ऐसे, और बराबर ये आ गया माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। तो बताओ इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये क्या मिला आपका सेकेंड डेरिवेटिव मिला। अब ये बताओ समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से बताओ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के स्थान पे क्या ले सकते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के स्थान पे हम वाई लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं ऊपर मिटा दूंगा, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो देखिए मैं यहां पर, हम यहां पे क्या करेंगे, अब ये जो लिखा हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव बी सेकेंड डेरिवेटिव बराबर माइनस बताओ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के स्थान पे हम क्या लिखते हैं वाई, ये हो गया y, हमने कहां से लिखा, चूंकि हम जानते हैं a sin x प्लस b cos x बराबर y, हम कहेंगे समीकरण नंबर एक से हम ऐसा लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये जो समीकरण है क्या इसमें कोई भी स्वच्छ अचर है, नहीं। तो आप देखें ये समीकरण स्वच्छ अचर से मुक्त है, यही हमारा यही होगा क्या अवकल
समीकरण, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। आइए हम और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दिया है, y बराबर a की पावर x प्लस b की पावर x का अवकल समीकरण प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त करेंगे, सिंपल सी बात है। आप बताइए कि जो समीकरण हमें दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं y बराबर a की पावर x प्लस b की पावर x, समीकरण नंबर एक इसको मान लीजिए। बताइए इसमें कितने स्वच्छ अचर हैं, तो बिल्कुल आपको दिखना चाहिए a और b, ये दो स्वच्छ अचर हैं। तो हम इसको कितनी बार अवकलन करेंगे, दो बार। सबसे पहले हम पहले बार अवकलन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ y बराबर a बाहर e की पावर x का अवकलन e की पावर x, b बाहर कांस्टेंट है e की पावर x का अवकलन e की पावर x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक से देख सकते हैं ये जो चीज लिखा हुआ है ये इसके स्थान पे y आप बोल सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन सही कर लेता हूँ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है बच्चों, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, क्वेश्चन में थोड़ा गलत नोट किया, ये माइनस x है, ठीक है, क्या है ये माइनस x, अगर x होगा उस हिसाब से क्वेश्चन लगाते, लेकिन ये माइनस x है। जब ये माइनस x होगा ध्यान देना ये क्या है माइनस x है, तो यहाँ पर जब हम अवकलन करेंगे तो ये माइनस आएगा, ठीक है। बी बाहर e की पावर माइनस एक्स का अवकलन होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, सही बात, हम जानते हैं कि बी डी एक्स आप क्या करेंगे e की पावर माइनस एक्स, तो देखो इसको t मानेंगे, e की पावर t का क्या होता है e की पावर t, लेकिन जिसको t मानते हैं उसका फिर से अवकलन, तो माइनस एक्स का अवकलन माइनस वन, तो आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ले जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से इसका अवकलन करेंगे, तो यहां लिखेंगे पुनः अगेन अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या जाएगा भाई ये सेकेंड डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा बराबर a बाहर कांस्टेंट है e की पावर x का, e की पावर x प्लस सॉरी ध्यान देना माइनस यहां पे है, b कांस्टेंट है बाहर e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x इंटू माइनस, ये तो होगा तो a e की पावर x माइनस माइनस प्लस b की पावर माइनस x, ये क्या चल रहा था, ये आपका क्वेश्चन चल रहा था। बताओ समीकरण नंबर एक से इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, y, इसके स्थान पे y लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा बराबर y, हम यहां लिख सकते हैं समीकरण नंबर एक से ये हमारा हो जाएगा अभीष्ट अवकल समीकरण, करेक्ट। आइए हम इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल में कोई खास बात नहीं थी, सेम सिमिलर सवाल चल रहा है। जब भी आप ऐसा कोई समीकरण देख लें, ऐसा कोई समीकरण देख लें और उसमें जितने स्वच्छ अचर होंगे आपको उतनी बार उसमें क्या करना है, अवकलन करना है। अब हम सवाल बदल रहे हैं, अब हम सवाल ऐसा दे रहे हैं जिसमें आपको समीकरण ना दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको ध्यान देना है। अभी तक हम ऐसे सवाल सॉल्व कर रहे थे, अवकल समीकरण ज्ञात कर रहे थे जिसमें हमें पहले से ही अवकल समीकरण दिया होता है, जैसे कि यहां दिया हुआ है, इसके पहले भी हमने दो सवाल किया y स्क्वायर बराबर 4x और हमने किया था y बराबर a sin x plus b cos x, दोनों सवालों में आपने देखा समीकरण हमें दिया हुआ है वक्र का, लेकिन अब हम ऐसा सवाल करेंगे जिसमें आपको अवकल समीकरण नहीं, सॉरी जिसमें आपको समीकरण नहीं दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप समीकरण बनाएंगे, समीकरण आप बनाएंगे उसके बाद आप जैसे सवाल यहाँ पे करते हैं वैसे करेंगे। इसका एक उदाहरण आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, सवाल कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा निकाय का अवकल समीकरण ज्ञात करें। तो हमें एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण लिखना होगा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। तो हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सरल रेखा का समीकरण होता है, सरल रेखा का समीकरण होता है वो हम बचपन से पढ़ रहे हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, चूंकि सरल रेखा कहां से होकर जा रही है, मूल बिंदु से होकर जाती है, अतः अगर कोई सरल रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो उसका अंताखंड
जीरो होगा, तो x अक्ष और y अक्ष द्वारा हम लेंगे जो कटा अंतः खंड होगा वो जीरो, तो हम लिखेंगे अभीष्ट जो समीकरण होगा हम ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः हम लेंगे मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस जीरो, c का मान हम जीरो कर देंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा y बराबर mx। अब ये हमारे पास समीकरण आ गया, तो देखो बच्चों अभी तक तो आपको समीकरण दे रखा था और आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना था, लेकिन अब आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको समीकरण मालूम नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, पहले आप समीकरण ले आएंगे, फिर जब समीकरण आ जाएगा फिर करना क्या है, जितने भी स्वच्छ अचर होंगे उतनी बार अवकलन करना है। यहाँ पे यह एक कॉन्स्टेंट होता है और ये स्वच्छ अचर है, तो हम कहेंगे कि हम एक बार इसका क्या कर देंगे अवकलन, तो हम लिखेंगे यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन, क्या जाएगा डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट के बाहर x का कितना आ जाएगा 1, तो यहां से m बराबर क्या आ गया dx ऑफ y। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में हम मान रख देंगे m का, ताकि हमारा जो स्वच्छ अचर m है वो गायब हो जाए, तो y बराबर m के स्थान पे क्या कर देंगे dx ऑफ y और x, ठीक है, ये हमारा आ गया अभीष्ट अवकल समीकरण, ये हमारा क्या है x, ठीक है, समझ में आई बात सभी को। तो अगर हमारे पास कोई भी इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है इसमें आप उसकी मदद से क्या निकालेंगे, पहले समीकरण निकालेंगे उसके बाद फिर अवकल समीकरण याद करेंगे। अब ये जो अवकल समीकरण है ये वक्र निकाय को प्रदर्शित करता है, वक्र निकाय को प्रदर्शित करता है, और अगर मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो सरल रेखा आ रही है ना, जो सरल रेखा है ये जो मूल बिंदु से गुजर रही है, ये देखिए ये सारी सरल रेखाएं हो सकती हैं, ये सारी की सारी सरल रेखाएं हो सकती हैं, ये देखिए सारी की सारी सरल रेखाएं जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रही हैं। तो हमने आपको लिखवाया था कि इसमें लिखवाई थी कि जो भी अवकल समीकरण होता है वो एक वक्र निकाय को प्रदर्शित करता है, ये क्या है, एक वक्र निकाय है, इसी ये जो अवकल समीकरण में लिखा है इस पूरे निकाय को प्रदर्शित करता है, देख लीजिए जितनी की जितनी इसमें सरल रेखाएं जाएंगी स्ट्रेट लाइन जाएंगी वो सारी की सारी मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, सहकेंद्रीय या समकेंद्रीय आप कह सकते हैं समकेंद्रीय वृत्त निकाय का अवकल समीकरण ज्ञात करें। आपको देखो जो अवकल समीकरण है वो वृत्त निकाय हम कहेंगे वो एक निकाय तो होता ही है, यहाँ पर जो निकाय है वृत्त का है और समकेंद्रीय वृत्त है, मतलब अगर आप देखें अगर इसको आप फिगर समझना चाहें समझ सकते हैं, हमारा जो अवकल समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, जो हम बात करेंगे संकेंद्रीय वृत्त, एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र कितना है मूल बिंदु, एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है वही मूल बिंदु है, ऐसे कई सारे वृत्त, तो एक क्या बन गया ये बच्चों, ये एक बन गया निकाय, एक परिवार बन गया, हम एक फैमिली बन गई, तो यहाँ पे आप देखिए ये वृत्त का परिवार है, तो सवाल क्या कह रहा है समकेंद्रीय वृत्त, ये कैसा वृत्त है समकेंद्रीय, अगर ये पहला वाला वृत्त है इसका भी केंद्र मूल बिंदु है, इसका भी केंद्र मूल बिंदु है, इसका भी, सबका केंद्र एक ही है, ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं समकेंद्रीय वृत्त, और इनका आपको क्या चाहिए अवकल समीकरण जिसका केंद्र कह रहा है मूल बिंदु, सभी का केंद्र क्या है कहाँ पे है मूल बिंदु पर, तो समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं सभी का केंद्र एक ही हो और वो केंद्र क्या कहा गया है मूल बिंदु, तो हम ये कहेंगे कि ये जो वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होता है उसका समीकरण हम जानते हैं, हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर अगर त्रिज्या हम कहेंगे a है तो ये a स्क्वायर, तो अगर कोई भी वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है उसका समीकरण हम ये जानते हैं, तो ये हम पहले से जानते थे,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने स्वयं चर है, एक स्वयं चर है, तो हम इसका एक बार अवकलन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अवकलन कर दीजिएगा, टू एक्स प्लस टू वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा। तो यहां से ये आपका क्या बन गया, यही आपका बन जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर जीरो, दो कॉमन लेकर जीरो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, तो पहले हमें इक्वेशन बनाना, ध्यान देना पहले मुझे क्या बनाना है, इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं क्या कह रहा था, ये जो आपका वृत्त निकाय है, तो हमने ये कहा कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ये स्वच्छ है, कैसा है, स्वच्छ अचर है, स्वच्छ हमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अगर ये कुछ भी ले सकते हैं आप, तो हम ये ले लेंगे या हम ये ले लेंगे या हम ये ले लेंगे, तो कोई भी हम ले सकते हैं, अपने मन से हम कुछ भी मान सकते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए ये हमने कहा ये स्वच्छ स्वच्छ अचर है, तो इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे बना दिया। तो जो हमें दिया गया था उसके अनुसार हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, फिर हमने अवकल समीकरण ज्ञात किया। अब यहाँ पे भी मुझे जो कंडीशन दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। क्या लिखा है, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, एक बार मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं, सवाल क्या है, सवाल है हमारा यक्ष अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, करेक्ट। तो ये यक्ष अक्ष को स्पर्श कर रहा है और मूल बिंदु पर भी स्पर्श कर रहा है। अगर आप वृत्त निकाय का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र वाई अक्ष पर हो, करेक्ट। तो कैसा बनेगा, कुछ थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यक्ष और वाई अक्ष, यहां पर देखिए तैयार है यक्ष और वाई अक्ष। सवाल क्या कह रहा है कि जो हमारा वृत्त है वो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। देखो ये आपका यक्ष अक्ष है और मूल बिंदु को, ये मूल बिंदु भी है, तो हम ये स्पर्श करता है और जिसका केंद्र वाई अक्ष पर है। जो हमारा वृत्त है एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, उसका केंद्र वाई अक्ष पर है, ये देखिए, तो केंद्र यहाँ के वाई अक्ष पर है, तो हम ये वृत्त कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो इसका जो निर्देशांक होता है बच्चों, वो जीरो कामा कुछ होता है, हमने मान लिया इसकी त्रिज्या ए है, ये क्या हो गया, जीरो कामा ए। ऐसे आप कई सारे वृत्त बना सकते हैं, ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना, ऐसे आप कई सारे वृत्त ऐसे बना सकते हैं कि जिसका केंद्र वाई अक्ष पर होगा और वो यक्ष अक्ष को स्पर्श कर रहा है, और यक्ष अक्ष को कहां पे स्पर्श कर रहा है, मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक वृत्त बन गया। अब इसका समीकरण हम कैसे लिखेंगे, तो याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि कोई वृत्त है उसका केंद्र है अल्फा कॉमा बीटा और उसकी त्रिज्या है आर, तो हम ऐसे वृत्त का समीकरण जानते हैं, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर, अगर त्रिज्या आर है तो आर का स्क्वायर। तो यहां पे बताइए अल्फा के स्थान पे जीरो है, बीटा के स्थान पे जीरो है, तो यहां पे हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण, ऐसे वृत्त का समीकरण, जो वृत्त आपको दिया हुआ है, ऐसे वृत्त का समीकरण क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, अल्फा के स्थान पे जीरो है, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर के स्थान पे दूरी मैंने कितनी मान ली है, ए मान ली है, ये अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, इसे कहते हैं स्वच्छ अचर, तो ये कुछ भी मान सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हिसाब से ये पूरा फैमिली बन जाएगा। तो यहां पर बात करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर, अगर हमने ए मान लिया, तो ये हमारा बना। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर ए स्क्वायर। बताओ इसमें कितने, हम कहेंगे कितने स्वच्छ अचर है, एक ही स्वच्छ अचर है, कौन है, ए, तो इसका एक बार अवकलन कर दीजिए, तो अवकलन करेंगे हम और इसको हम क्या कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी, काट दीजिए, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई बराबर जीरो। अब आप यहाँ पे अवकलन करिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितनी बार, एक बार, क्योंकि एक ही यहाँ पे स्वच्छ अचर है, यह आ जाएगा यक्स, सॉरी अवकलन करिए,
क्या मिलेगा भाई, एक्स स्क्वायर का गुणन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dx ऑफ y माइनस 2 a कांस्टेंट है बाहर, y का dx ऑफ y बराबर 0। यहां से आपको क्या निकालना होगा, यहां से आपको निकालना होगा 2a का मान, यहां पे a का मान। तो चलो हम इसको जो है मिटा दे रहे हैं। हमारा जो समीकरण है, वो ये है, हमारा यही समीकरण है। समीकरण नंबर एक मान लेंगे, जो हमारा वृत्त दिया हुआ है, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र y अक्ष पर है, जो मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, करेक्ट। तो मूल बिंदु पर x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ऐसे वृत्त का समीकरण ये रहा। अब हम इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब हम इसका निकालेंगे अवकल समीकरण, उसके लिए एक स्वयं अचर है, इसके लिए हम इसको एक बार अवकलन करेंगे, ये हमें मिल गया। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए हम यहां से एक मान निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिख दें, 2x प्लस 2y dx ऑफ y इज इक्वल टू, उसको हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2a dx ऑफ y। a का मान यहां से निकालेंगे, तो a यहां लिख दे रहे हैं तो 2, और इसको बटे में आएंगे तो क्या लिखा है। चलो एक काम कर सकते हैं ना, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं यहां पे, एक तो काम ये कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लेंगे, यहां 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, x प्लस y dx ऑफ y बराबर a dx ऑफ y। a का मान यहां से निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा x प्लस y dx ऑफ y बटे dx ऑफ y, सही है। a का मान हमने निकाल लिया। आप ये समीकरण नंबर एक से पुट कर दिए, समीकरण नंबर एक से क्योंकि हमें जो समीकरण दिया होता है उसमें जो स्वयं चर है उसको हमें गायब करना होता है। क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, बताओ ए का मान, आप यहां से रख दीजिए, ये मैंने ए का मान रख दिया यहां पर, तो क्या बनेगा ये देखिए, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, वाई और बराबर जी, ये जो आपका समीकरण बनेगा आपका ये हो जाएगा अवकल समीकरण। आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप चाहें इसका तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2 एक्स एक्स प्लस, है ना, इसको ब्रेकअप देखते हैं, x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, ये y को हम इसके साथ दे देंगे, 2y दे देंगे इसको, ये और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 0 को उधर भेज देंगे तो बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आप ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, बात देखिए समझ वाली बात, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर पूछिए। आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।